धोखा कहाँ खाए थे, पढ़ाई में धोखा खाए थे कि प्यार में धोखा खाए थे? प्यार में धोखा खाए थे। हमको लगता है आपको कपल वाला चाय पीना चाहिए, कहने के लिए आप कपल होंगे। नहीं, कपल तो हम नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम खड़े हैं बोरिंग रोड चौराहा वाले रोड पे, जहाँ पे बेवफा चाय वाले के स्टॉल पे अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे जो ये चाय बनाते हैं 10 रुपये प्रति कप है और 15 रुपये प्रति कप है। इस चाय के बारे में हम जानेंगे कि चाय में ऐसा क्या करते हैं जो बेवफा चाय वाले के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस है ये, तो इनसे बात करेंगे हम। भैया आप अपना सबसे पहले परिचय, वैसे परिचय तो सब लोग जानते हैं, फिर भी आप दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम अंकित कुमार हो गया और सब चाय है कपल लोग के लिए 15 का एक कप है, जो प्यार में धोखा खा आया है उसके लिए 10 रुपये का एक कप है। मतलब कपल के लिए कितना का है? 15 का एक कप। 15 का एक कप है कपल्स के लिए। कपल के लिए मतलब कपल्स में तो दो होते हैं, दो जोड़े आएंगे तो 30 रुपये लेंगे उससे आप। हाँ, एक कप 15 का हो जाता है। अच्छा, एक कप 15 का हो जाता है और जो वैसे आएंगे तो 10 रुपये का है। ऐसे सिंगल है तो 10 रुपये ही लगेगा आपका। अच्छा, चाय का फ्लेवर क्या क्या है आपका? चाय का कोई फ्लेवर नहीं, एक ही फ्लेवर है, बस प्यार से बनाते हैं, काफ़ी अच्छा बनता है, फ्लेवर नहीं डालते हम। अच्छा, कोई फ्लेवर नहीं, जैसे कि इलायची फ्लेवर, पान फ्लेवर, सब काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है। नहीं, वो सब पसंद खुद को नहीं है, इसीलिए नहीं बनाते हैं। सिंपल चाय है मेरा, जो घर में बनता है वही चाहिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप कपल्स के लिए 15 रुपये का कप बेच रहे हैं, ऐसा क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? भेदभाव कपल लोग खुश रहता है। भेदभाव ही है ना, भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? कपल लोग खुश रहता है, एंजॉयमेंट रहता है, तो उन लोग के लिए 15 का एक कप आराम से पीता है खुशी खुशी। और जो बेवफा लोग जो खाता है धोखा, उसको तो पहले से परेशानी है। कहने का मतलब कि जिसको धोखा मिल गया, जो प्यार में धोखा मिल गया उसको, तो उसके लिए 10 रुपये का 5 रुपये का डिस्काउंट है। और क्या, वही बात है, वो तो पहले से साइड है बेचारा उसके लिए। अच्छा, ये बताइए, जब आपका ये साधारण चाय है, साधारण कप भी है, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा खास नहीं है, पटना में 10 रुपये कप जनरल चाय मिलता है, ठीक है, और आप 15 रुपये देते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये तो नहीं, 15 की ही नहीं है, 15 के आगे लगा हुआ वो बड़ा है। अच्छा, आगे लगा हुआ जो बड़ा वो 15 का है। 15 का है। अच्छा चाय का दुकान के मतलब दुकान में और भी जैसे बिस्किट वगैरह रखते हैं, और ये क्या है इधर? इलायची है। इलायची यूज करते हैं। कपल्स आते हैं यहाँ पीने के लिए? हाँ, शाम में तो काफ़ी आते हैं, 6 बजे के बाद 6 से लेकर 8 बजे तक आती रहती है। अच्छा, चाय का दुकान क्यों खोले आप? हाँ, दो चार करवा सवाल भी है, वो भी पूछना जरूरी है। काफ़ी लोग पूछता है हमसे कि भाई आप धोखे खाए तो और कुछ भी कर सकते थे, जॉब भी ले सकते थे, नौकरी भी कर सकते थे, अब चाय दुकान क्यों खोले? तो बात तो सही है, लेकिन बात ये है कि उसको धोखा कहाँ खाए थे, पढ़ाई में धोखा खाए थे कि प्यार में धोखा खाए थे? प्यार में धोखा खाए थे। अच्छा, प्यार में धोखा खाए थे, मतलब बचपन से पढ़ाई नहीं की है? पढ़ाई भी करते थे, उस साथ साथ प्यार भी करते थे। अच्छा, मतलब एक ना, मतलब कि दोनों पे, मतलब कि एक ही बार पैर रख दिए थे आप, यही ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, दोनों लेके तो दोनों पे एक ही बार ना पैर रखे थे। कहने का तो मतलब यही कि प्यार भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। तो लोग ये सोचते हैं कि आप कुछ अच्छा काम भी कर सकते थे, आप चाय के शॉप क्यों खोल रही है? तो मेन बात ये कि उसको चाय बहुत पसंद था, इसीलिए होता है ना कि जो लगनशील होता है ना कि जो लगनशील स्टूडेंट होता है वो मतलब कोई एक लक्ष्य को लेके चलता है। तो आप पढ़ाई को भी लेके चल रहे थे, प्यार को भी लेके चल रहे थे। पढ़ाई में तो कुछ ना मिला, प्यारों में धोखा मिल गया, मतलब ना इधर का रहे ना उधर का रहे, बीच में आ गया और बीच में चाय लेके आ गया। बीच में चाय की दुकान खोल ली है, दोनों चीज छूट गया। ये बताइए कि एक खड़वा क्वेश्चन और हमको पूछना चाहिए, ठीक है? लगभग यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो भी लड़की आती है वो तो कमिटेड रहती है, ठीक है, बोलेगी हमारा बॉयफ्रेंड है ना भैया? लड़की आती है बोलती बॉयफ्रेंड है, जो भी लड़का आता है ना तो 99% बोलता है सिंगल है। तो बाकी लड़की किसे, सऊदी के लड़का से फंस गई है? ऐसा कोई बात नहीं, जो बात होता है सब सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता यहाँ पे, सब सच बोलता है, सब सच। अच्छा है। अच्छा, मेरा कंक्लूड यही था इस बात से कि मेरा कंक्लूड यही था इस बात से कि जो लड़का सिंगल है, मतलब कि धोखा खा गया, ठीक है, 90% लोग धोखा खा रहे हैं, आपके तरह अगर चाय का दुकान लगा दे तो भीड़ पड़ जाएगा ना मार्केट में। वही ना हम बोल रहे हैं सर, धोखा खा के चाय दुकान मत खोलना, अच्छा भी काम कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। मेरा दुकान खोलने का मतलब ये है कि पहले क्या था कि अगर प्यार में कोई धोखा खाता था, बाइक स्पीड चलाता था, तो ये वो लन फन उल्टा पुल्टा काम करता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप धोखा वोखा खाएं तो कुछ गलत ना करें, कुछ अच्छा अपना कर लें। अच्छा, जब आपको धोखा मिला था उस क्षण आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे मन में? सोच क्या रहे थे, रो रहे थे, सोचेंगे क्या? रो रहे थे, हाथ गोड़ने नहीं कटे थे? नहीं, काट के डोला काम नहीं किए थे तब, तो बस कुछ प्लान था और देखिए कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन क्या करें, सिंगल इंसान, कोई मिल नहीं रहा।
क्या पता हमको भी धोखा मिल जाए, हम भी इसी के बगल में एक स्टॉल लगा दे। सिंगल भैया तो भैया से ना, भैया से ना हम प्रेरणा लेंगे। ये कैसा प्रेरणा दे रहा है, ये बोलेंगे चाय दुकान खोलना पड़ेगा धोखा के बाद, तो फिर वही हाल मेरा भी होगा। आपको देख कौन सा चाय, धोखा वाला या कपल वाला? अब आप ही ना बताइएगा, आप हमारे स्रोत हैं, आप बताइएगा ना हम क्या करना चाहिए हमें। तो हमको लगता है आपको कपल वाला चाय पीना चाहिए, क्योंकि आप कपल होंगे। नहीं कपल तो हम नहीं है। हमको लग रहा है कैसे आप है, झूठ अभी बोले ना। देखिए इनका ही स्टेटमेंट पे आते हैं, अभी बोले कि हमारे कस्टमर जो भी आते हैं झूठ नहीं बोलते, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? कैसे झूठ बोल सकते हैं? ऐसा लग रहा है आप कुछ नहीं जैसा पूछ रहे हैं, लग रहा है कि आप सेटिंग रखे हुए हैं। सही से बिल्कुल चेक कर लीजिए, चैटिंग चैटिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कहीं चैटिंग नहीं मिलने वाला। वैसे भी आपका कस्टमर सब सच्चा है और हम भी सच्चे हैं। बाकी आपका चाय डालने का भी अंदाज काफ़ी बढ़िया है, और जो यहाँ पे पब्लिक जो चाय पीने आती है वो भी बड़ा चुस्की के साथ मज़े लेकर पी रही है। आइए तो भैया इनसे भी ज़रा बात कर ले हम। आ जाइए भैया, आप कौन से कप वाले हैं, 15 वाले कि 10 वाले हैं? 10 ही वाले अभी। 10 ही वाले हैं, मतलब धोखा मिल गया है अभी का? अभी मिलेगा, बनेगी तब धोखा मिलेगा। हो सकता है ना कि 10 पे तब आए, 15 पे थे, 10 पे आ गए? ना ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, कभी नहीं मिली है। देख लिए ना, मेरा मेरा जो एग्जांपल था बिल्कुल सही साबित हुआ। वो बंदा तो मेरा जो एग्जांपल था बिल्कुल सही साबित हुआ। 99% लड़के बोलते हैं सिंगल है, बाकी लड़कियां कहाँ फंस गई फिर? कहाँ फंस गई? आपका भैया कितना है? हम भी यहीं के हैं तो सिंगल ही ना। अच्छा, मतलब यहीं के हैं तो सिंगल होंगे, मतलब यहाँ के लड़के मतलब सब सिंगल ही होते हैं पटना के? हम तो देखने नहीं गए, ऐसा नहीं सब सिंगल हो। देख लीजिए आप ही के साथ है ये जो अभी खान लड़का जो बोल रहा था ना। हाँ, वो डेली सुबह में लेकर आता है, अभी झूठ बोल रहा है, वो किधर गया? भाग गया बेचारा। एक्सपोज अपने आप को नहीं करवाना चाह रहा है, क्योंकि मम्मी पापा भी होंगे ना, अगर एक्सपोज हो गया तो फिर दिक्कत होगा। जैसे अभी आपको एक्सपोज हम कर रहे थे, क्या पता एक्सपोज में ना कामयाब हो गए हम। आ जाओ भाई धर लेते आ जाओ इधर, ये भैया से बात कर लेते हैं। अरे 10 वाला है 15 वाला आइए एक बार। 10 वाले हैं? 10 वाले, 10 वाले हैं। 15 से 10 पे आए कि 10 पे हैं? 10 पर है। इधर इधर जरा देखिए एक बार। नहीं फंस गया सब। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस चाय के स्टॉल से बेवफा चाय वाला। बाकी अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।